कोतवाली क्षेत्र के औरंगपुरा तिराहे पर सोमवार को निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर गठित FST टीम द्वारा की जा रही वाहनों की चेकिंग में एक कार से 17,40,000 रुपए की नकदी बरामद की है। टीम और पुलिस ने कार को जब्त कर कोतवाली पहुंचा दिया है। खरगोन से सेगांव की ओर जा रही थी कार में सवार व्यापारी का कहना है कि उक्त राशि व्यापार की होकर किसानों को उपज के दाम चुकाने के लिए ले जाई जा रही थी। थाना प्रभारी BL मंडलोई ने बताया कि कार में 1,00,000 से अधिक राशि होने से जब्त की है। चुनाव के दौरान 50,000 से अधिक राशि के परिवहन पर रोक है। उक्त मामले में आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है। सेगांव के व्यापारी संजू अग्रवाल ने बताया वह अनाज व्यापारी है और यह राशि किसानों से खरीदी उपज के दाम चुकाने के लिए खरगोन के बैंक से निकाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कहाँ से ले जा रहे थे पैसे? बैंक से निकाल रहे। बैंक से ही खरगोन। कहाँ ले जा रहे थे? हाँ, तो क्या काम है? अपना मंडी का काम है, अनाज का, कृषि उपज मंडी का, किसानों को पेमेंट करना। कहाँ से ले जा रहे पैसे? ये राधा वल्लभ HDFC बैंक और आयुष्मान फाइनेंस बैंक। क्या नाम है आपका? मेरे संजू अग्रवाल। किस प्रकार कार्रवाई की गई? ये आज जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा जो नामांकन प्रक्रिया के फॉर्म जो जारी किए जा रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया दाखिल की जा रही है, इस संबंध में चेकिंग लगाई गई थी। और औरंगपुरा पे चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद कलर की डिजायर गाड़ी में चेक किया गया, तो उसमें एक नकदी केस पाया गया था। और FST-1 जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार जो कार्य कर रही है, उसने और हमारा थाना कोतवाली की पुलिस ने उसमें से केस करीब 17,40,000 जब्त किए हैं, जिसकी की कार्रवाई अभी थाने पर की जा रही है। कौन सर इसमें ला रहा था, कहाँ से ला रहे थे? ये अभी प्रथम दृष्टया तो सेगांव के हैं और यहाँ से खरगोन से ले जा रहे थे, और बाकी संपूर्ण जांच जो है, क्योंकि 10,00,000 से ज़्यादा का केस है तो इसकी जांच का अधिकार इनकम टैक्स को है, तो उनके द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे थाने पे आए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है और जांच करके फिर उनके द्वारा रिपोर्ट श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। हाँ, राशि जब्ती की कार्रवाई चल रही है। ठीक है, कोई प्रमाण वगैरह पेश नहीं किया इनने? क्या है, क्या मामला है? ये चूंकि इनकम टैक्स के समक्ष प्रमाण जो है वो कार्रवाई अलग से होगी, अभी तो केवल जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो की जा रही है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।